आसाम राइफल्स के लिए एक्चुअल रनिंग टाइम क्या जरूरी है? क्या आसाम राइफल्स की रनिंग आर्मी से भी इजी है या फिर हार्ड होता है? आखिरकार लेटेस्ट आसाम राइफल्स रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? आसाम राइफल्स की रनिंग कहाँ पे होता है? वो रोड पे होता है या फिर ग्राउंड पे होता है? क्या आसाम राइफल्स में जब भी रनिंग होता है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स को साथ में छोड़ा आता है या फिर अलग अलग? आखिरकार लेटेस्ट रूल्स क्या है? ऐसा ऑथेंटिक सीक्रेट तरीका है जिसे हम फॉलो करके स्पेशली आसाम राइफल्स की जो भी रनिंग है आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है तो वो क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर स्पेशली आसाम राइफल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि आसाम राइफल्स का जो रनिंग होता है स्पेशली बॉयज एंड गर्ल्स के लिए वो क्या मांगा है, क्योंकि हर साल थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अब सभी के डाउट मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे, अगर आप स्पेशली आसाम राइफल्स में एक सीट पाना चाहते हो, वीडियो को एंड तक देखना ताकि मैं जो भी बताऊँगा सब कुछ डाउट क्लियर हो सके, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आसाम राइफल्स की जो लेटेस्ट रनिंग टाइम, लेटेस्ट रेगुलेशन वो क्या है उसके बारे में, ओके। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी आसाम राइफल्स के ऊपर जो कि सेवन पे लागू होने के बाद कितना सैलरी मिल चुका है, मतलब मिलता है। नेक्स्ट, जो एज लिमिट कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम एज लिमिट। थर्ड पॉइंट है जो क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, सब कुछ वीडियो बना चुका हूँ जो कि लेटेस्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वन बाय वन देख लेना अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और एट एनी कंडीशन इस बार एक सीट पाना चाहते हैं, ओके। अब आते हैं मुद्दे पर कि आसाम राइफल्स का जो रनिंग होता है वो आर्मी से इजी होता है या फिर हार्ड होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसने भी मुझे पूछा था कि आर्मी इजी होता है या फिर आसाम राइफल्स इजी होता है, तो फ्रेंड्स आसाम राइफल्स में एक पॉइंट है, अगर आपके पास एनर्जी है और स्टैमिना है तभी जाके आप एलिजिबल हो आसाम राइफल्स में जाने के लिए, ये बात ध्यान में रखो। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आर्मी में क्या है, अगर आपका जितना स्टैमिना नहीं है तभी, अगर आप इतना प्रैक्टिस भी नहीं करोगे तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो, ये बात ध्यान में रखो। लेकिन आसाम राइफल्स में आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके आप क्लियर कर सकते हो, ओके। लास्ट में आपको बताऊँगा एक ऐसा गोल्डन टिप जिसे अगर आप फॉलो कर लोगे तो आसाम राइफल्स में सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ओके। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि आसाम राइफल्स का जो रनिंग होता है वो कैटेगरी वाइज क्या होता है या फिर नहीं, मतलब SC ST EWS वालों को अलग अलग छुड़ाता है या फिर साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आसाम राइफल्स हो या फिर आर्मी हो, सभी कैटेगरी में जब भी रनिंग होता है सबको साथ में रनिंग के लिए छुड़ाता है। लेकिन डिफरेंस यही है कि आर्मी में लगभग 200 स्टूडेंट साथ में रनिंग के लिए छुड़ाता है, लेकिन आसाम राइफल्स में लगभग 300+ स्टूडेंट साथ में छुड़ाता है, ये बात ध्यान में रखो, ओके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि आसाम राइफल्स का जो रनिंग होता है वो रोड पर होता है या फिर ग्राउंड पर होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आसाम राइफल्स का जो रनिंग होता है ग्राउंड पर नहीं होता है, वो यूजर होता है 99.9% केस में ये होता है कि आपको रोड पर ही रनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आसाम राइफल्स का जो रनिंग होता है वो स्पेशली चेक करते हैं आपके पास कितना स्टैमिना है। अगर आपके पास ज़्यादा स्टैमिना है तभी जाके आप कुछ कर सकते हो आसाम राइफल्स में, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, इसलिए मेरी बात को सुनो, ओके। अब आते हैं थर्ड पॉइंट कि आसाम राइफल्स का जो बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या उन दोनों को साथ में रनिंग के लिए छोड़ाता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आसाम राइफल्स में हर एक कैटेगरी में, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स में, फिजिकल हो, मेडिकल हो, रनिंग हो, सबका कैटेगरी बॉयज़ के लिए अलग होता है और गर्ल्स के लिए अलग होता है, ओके। अगर आप जानना चाहते हैं वो अलग अलग क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लेलिस्ट जाके देख लो आसाम राइफल्स के प्लेलिस्ट, सभी डाउट क्लियर हो जाएगा कि बॉयज़ के लिए क्राइटेरिया क्या है, गर्ल्स के लिए क्राइटेरिया क्या है, तभी जाके आपका डाउट सब कुछ क्लियर हो सकेगा, ओके। अब आते हैं बॉयज़ के लिए क्या है, गर्ल्स के लिए क्या है, प्लीज़ नोट डाउन करना, मैं आपको बता रहा हूँ। बॉयज़ के लिए आपको लगभग 5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा, स्पेशली बॉयज़ जो भी आसाम राइफल्स में जाना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, जो भी गर्ल्स है उनके लिए 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर आपको रनिंग करना पड़ेगा, ओके। लेकिन टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है,
वो डिफरेंस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इस बार आसाम राइफल्स में मतलब ऑफिशियल तो दिखा जा रहा है कि 24 मिनट आपको मिलेगा ऑफिशियल, या फिर आप जो ही मतलब जहाँ भी पढ़ोगे कि आसाम राइफल्स के लिए जो भी बॉयज़ के लिए 5 किलोमीटर के लिए 24 मिनट। लेकिन जो एक्चुअल केस है, जो रियल केस है, जिसने भी एग्ज़ाम दिया है उनको पता होगा कि आपको 20 मिनट 5 किलोमीटर को क्रॉस करने के लिए दिया जाता है। ये बात ध्यान में रखो, जो भी बॉयज़ है अगर आप 20 मिनट में 5 किलोमीटर क्रॉस नहीं कर पाते हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जो सच बात है, जो कड़वा सच है मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि अगर आप 24 मिनट के बाद जाते हो तब आपका कट ऑफ मार्क मतलब रनिंग के लिए भी मार्क मिलता है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा भले ही आप रिटर्न में कितना टॉप कर लो। लेकिन अगर आप 20 मिनट पर क्रॉस करते हो आपका 110% हो जाएगा आसाम राइफल्स में, स्पेशली रनिंग कैटेगरी में। ओके, तो अभी आते हैं गर्ल्स में। गर्ल्स में मैंने आपको बता दिया 1600 मीटर लगभग 1 किलोमीटर 600 मीटर को 8.3 मिनट सभी ऑफिशियल डाटा में दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको मिलेगा 7 मिनट 55 सेकेंड्स, इतना टाइम मिलेगा, इतना से 1 मिनट से भी ज़्यादा मिनट नहीं मिलेगा। जो सच बातें बता रहा हूँ कोई नहीं बताया। अगर आप सोच रहे हो मुझे तो 8 मिनट 3 सेकंड मिल रहा है तो मैं आराम आराम से जाके क्लियर करूँगा, तो ये गलत सोच रहे हो। अगर आप भले ही क्लियर कर देते हो 8 मिनट 3 सेकंड के बाद तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अक्सर राइफल्स का रनिंग में भी स्टैमिना चेक किया जाता है और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, ये बात ध्यान में रखो। ओके, तो मुझे आशा है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना, मैं आपको जल्द रिप्लाई दूंगा। ओके, अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है जिसे हम फॉलो करके आसाम राइफल्स का जो रनिंग होता है हम क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉयज़ के लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी है, गर्ल्स के लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कोई नहीं बताएगा। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कोई टीचर या फिर एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद की एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, इसलिए मुझ पर आप ट्रस्ट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, अब बता रहा हूँ जो सीक्रेट स्ट्रैटेजी बॉयज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको लगभग 6 महीने आपको लगातार रनिंग करना पड़ेगा, तभी जाके आप 5 किलोमीटर रनिंग कर सकते हो। लेकिन याद रखना, आपको इनिशियल 1 किलोमीटर या फिर 500 मीटर, उसके बाद 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर धीरे 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 से बढ़ा के आपको जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि फर्स्ट डे में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रनिंग करोगे तब आपका कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखो। आपको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा, लेकिन 6 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा तभी जाके होगा। बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे टीचर बता रहे हैं, मतलब उनका मानना है कि 3 महीने 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। मैं जो बता रहा हूँ खुद के एक्सपीरियंस से, आपको 6 महीना लगातार हार्डवर्क करना पड़ेगा तभी जाके आपका रनिंग क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं गर्ल्स के लिए कि रनिंग टाइम क्या क्या जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप गर्ल्स हो, ओके, आपको लगभग 8 महीने आराम से प्रिपेयर करना पड़ेगा 1600 मीटर को, मतलब 200 मीटर 400 मीटर 600 मीटर 800 मीटर पर डे इंक्रीज कर करके अगर प्रैक्टिस करोगे 8 महीने में आपको 110% सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ओके, और हाँ, अगर कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा अपना भाई समझ के। ओके, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।